ऑब्वियसली ये शी नहीं है, इट्स अ ही, बट राइम करने के लिए कभी कभी जेंडर बदलना पड़ता है गाड़ी का। सोचो बायोसेक्सुअल होती कोई गाड़ी तो इसकी नीड्स फिर सिर्फ पेट्रोल नहीं रहता, फिर ये डीजल भी पीती क्योंकि इसे दोनों का चाहिए होता, एनर्जी दोनों से, बायोसेक्सुअलिटी। ठीक है भाई, बुरा मत मानना, सार्केस्टिक हो रहा हूँ, थोड़ा डार्क बोल देता हूँ कभी कभी, पर डार्क तो गोबर भी है भाई 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 भाई, कंकड़ कम हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में लेवलिंग करी गई, समतल हुई, पर समतल पता कैसे हुई, क्योंकि ये रूट है मवेशियों का, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कटाई छटाई करी गई होगी, के बाद जब इस पे मवेशी चल रहे हैं, लोकल लोग अपनी गाड़ी लेकर भी इस रूट पर आते हैं, लोकल्स के लिए ये सब एडवेंचर जो है ये रोजमर्रा के जीवन का सफर है, जो नीचे वालों के लिए एडवेंचर है। चलाते होंगे ना गाड़ी इस ट्रेन पे, अपने मवेशियों को लाते होंगे, कि चलने से, गाड़ी के टायर घूमने से इसके ऊपर भूमि जो है ये सपाट हो गई है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि ये सड़क है। दैट्स व्हाई मैंने आपको कहा कि जो आज हम करने वाले हैं शायद से ही जीनोसो के अंदर आज तक किसी ने करा होगा या सोचा होगा। खाई बगल में है, सिर्फ लद्दाख के सैंड्यून में जाने से तुम राइडर नहीं बन जाते, वो भी एक हफ्ते का टूर पैकेज बुक करके। इनफील्ड में जाते हो ना, पता है मुझे 19,000 का पड़ता है पैकेज, सब चाटा हुआ है, देखकर आगे बढ़ चुके हैं। पर निकलना किसी रैंडम वैली में, रैंडम घाटी में, जिस घाटी का ना और पता ना छोर, ना होमस्टेस, ना रुकने की व्यवस्था, लोकल की मदद के द्वारा, शाउट आउट टू ब्रदर जिसने हमें रात रुकने के लिए हमें ठैया दी, रात गुजारने के लिए हमें एक स्थान दिया, और वो स्थान था उनका घर, और उन्होंने दिल में भी जगह दी। दैट्स व्हाई हम यहाँ रुक पाए, रात में हम स्टे कर पाए, व्हेन वी डिड द स्टे, उसकी वजह से आज हम इस रूट को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वरना शाम को हम यहाँ पहुंचते और रुकने की कोई व्यवस्था ना होती, या हमारा उन भाई के साथ संपर्क ना होता, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू डू सो इन सच एरियाज, जहाँ पर बिजली, कपड़ा, रोटी इज अ वेरी प्रीशियस थिंग, यानी कि बेसिक नीड्स की ही यहाँ जरूरत होती है, बाकी इतने संपन्न है भाई, तुम लोगों की तरह प्रोसेस्ड खाना नहीं खाते, खाना उगाते हैं, स्वच्छ जल और स्वच्छ धाराओं के पानी से सींच सेवन करते हैं, ताकत इतनी है कि नीचे के दुगने साइज वाले आदमी को पटकलन दे दे, पहाड़ का एक दुगला पतला लौंडा, तो भावे वो घाटी के पानी का जड़ी बूटियों का असर है भाई, होना ही है। तो उन्होंने हमें जगह दी, जिस वजह से आज हम इन रास्तों को, इन नजारों को देख पा रहे हैं। नमस्कार अंकल जी। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां आज भी तुम आधी रात को किसी से संपर्क करके बोलो कहीं फंसे हो, तो वो गांव के आखिरी छोर तक भी तुम्हें लेने आएगा, जरूरत पड़ी तो घाटी के आखिरी कोने तक भी, एक आवास पे, क्योंकि हम मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा फोन के नेटवर्क स्ट्रांग है। गाँव में आप टमाटर निकाल लो किसी के खेत से, किसी के खीरा, यहां नहीं है वो चक्कर कि ये तेरा और ये मेरा, सब कुछ चलता है ब्रो, शेयरिंग एंड केयरिंग, दिस इज व्हाट द ट्रू लाइफ लुक्स लाइक, द रियल पीपल लुक्स लाइक, नॉट फेक वंस। यहाँ लिपाई पुताई सिर्फ घरों में होती है, लोगों के दिलों में खरापन है, खरापन बसता है। क्यों चीता भाई, क्या हो गया, टट्टी आ रही तुम्हें, आ रही ना, नहीं तुम्हें आ रही, पूछ रहा हूँ भाई, क्या ही है ये नीचे जाते हुए पेड़, ये पेड़ों की श्रृंखला, ये किसी तरह से अपने अस्तित्व को यहाँ जमाए बैठे हैं इस नीचे की ओर दरकती घाटी में। ये दरकती घाटी बहुत वक्त पहले दरगी होगी, अब तो ये स्थिर है, पर भूस्खलन के दौरान यही दरकती हुई घाटियां नीचे भयंकर वेग के साथ निकल जाती हैं, जिससे नदियों में उफान आ जाता है, बड़े बड़े शहरों में पानी भर जाता है। ये वही पहाड़ हैं जो एक पहाड़ी के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी हैं, उसका अस्तित्व है, लेकिन यही पहाड़ विध्वंसक रूप लेते हैं, जब भयंकर रूप लेते हैं, तो इनसे ये जो पत्थर निकले हुए हैं ना, ये नीचे बरसते हैं ओलों की तरह, जिससे जान प्राण माल हर तरह से हानि होती है। एक गांव के आदमी को और शहरों में मानसून के वक्त उफान पकड़ी हुई नॉर्थ इंडिया की मेजर रिवर्स की वजह से लोगों को, यही वो घाटियां हैं जहां से जन्म भी होता है और जहां से अंत भी। तभी कहते हैं शिव की नगरी, क्योंकि शिव ही आदि है और शिव ही अनंत है, शिव ही रक्षक है, शिव ही रचेता है और शिव ही विध्वंसक है। वही तांडव करते हैं तो धरती कप कप हिलने लग जाती है, और वही जब सृजन करते हैं, बनाते हैं, तो पूरा जगत फल फूल पेड़ पौधों से, जीवन से भरपूर पनप जाता है, उपज जाता है। वही बना देते हैं और वही कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे मकड़ी अपना जाला बुनती है, उसी जाले में जीवन व्यतीत करती है और आखिरी में उसी को कंज्यूम कर लेती है, उसी तरह से यूनिवर्स में दिव्य शक्तियां हैं, वही बनाते हैं और अंत में सब कुछ निगल लेते हैं। शिव, ब्रह्म और विष्णु, ये तीन मंत्र हैं जीवन में, बांध लो और तुम कभी मात नहीं खाओगे, कि जिसने ये बनाया है, जिसने इस विस्तृत जगत को जन्म दिया है, वो तुम्हारे करियर, तुम्हारे जीवन का उद्धार, 100 साल का मनुष्य का तुच्छ जीवन, उसका उद्धार करने के लिए नाखून की 1% ऊर्जा भी लगाए तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाए, कई जन्मों का उद्धार। ये तीन नाम जप लो दोस्त, व्हेन यू विल डू दैट, लाइफ बदल जाएगी तुम्हारी। सही बोल लिया मैं दोस्त, बजरी पे चल रहे हैं, बजरीदार रास्ता हो चुका है, पत्थर कह रहे हैं कि हम तो थोक के भाव हैं ही, अब बजरी से भी जूझो, बजरी चाहे तो वो भी लपेटे में ले सकती है, और पत्थर जो है नीचे गिरते हुए हाथ और पैरों को छील सकते हैं, यानी कि घायल कर सकते हैं। इन बकरों की हिम्मत को देता हूँ दांत,
इनके सालों के दांत चबा जाते हैं सारी खाद। अभी दिखाता हूँ वैली के थोड़े आगे के मोड़ से। चीता भाई जरा भगाते हैं अब, बहुत हो गया। डरपोकों की तरह, कायरों की तरह जीवन जीना, एक योद्धा की तरह, एक वीर की तरह जीवन जिए, साहस के साथ जिए, और अभी अगर मौत गले लगा ले तो उसे चूम कर हंसते हुए स्वीकार कर लें। बकरे यहाँ से दिखना मुश्किल है, चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं जहाँ से बेस्ट व्यू मिलेगा आपको, द बेस्ट वन। एक ही कोने से सारे कोने जहाँ कवर हो जाएं, यही है कुछ वो इलाका। दोस्तों नीचे अगर आप देख सकते हैं तो ये नीचे घास के ऊपर सफेद सफेद बिंदु जो आपको नजर आ रहे हैं, बिंदु हिल रहे हैं, ये बिंदु एक्चुअली में बकरे हैं। पहाड़ के ऊपर पठार समतल जमीन पे ये घास चुग रहे हैं। पीछे देख सकते यमुना जी हैं या फिर टोंस, और अगल बगल पहाड़ों से चारों ओर घिरी हुई है घाटी। आधुनिक जगत ने हमें किस तरह से लपेटे में ले लिया है, ये मानव की रची हुई खोज, बिजली इन तारों पे दौड़ती हुई, खंभों से गुजरती हुई, लोगों को नेटवर्क और बेसिक मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करा रही हैं छोटे छोटे दुर्गम इलाकों में, गाँव में। जहाँ तक नजर पड़े वहाँ पहाड़ नजर आते हैं, ये इस तरह से है जैसे कटोरी के चारों ओर मुड़े हुए कोने जो से पूरा कवर कर लेते हैं, और बीच में एक हथेली की तरह कटोरी का भाग। ये जमीन भी ऐसी कुछ लग रही है जैसे एक हथेली होगी, और चारों तरफ से पहाड़ कटोरी के कोनों की तरह पूरी घाटी को कवर किए हुए हैं। कई कई जगहों पे बुग्याल हैं, कई कई जगहों पे चौड़े तप्पड़ हैं, वहां पर लोग बैठ सकते हैं, वहां पर लोग अपने मवेशी चराते हैं, खेती करते हैं, घर बनाते हैं, सारा जीवन वहीं से संचालित हो रहा है। खड़े पहाड़ों में तो असंभव है जीवन। देख सकते हैं कि खड़े पहाड़ों में जहां जहां ऊंचाई के इलाके हैं वो घने जंगल हैं, ना कि रिहायशी इलाके। लोग रहते हैं निचले स्थानों में या तप्पड़ वाले स्थानों में जहाँ सड़क गई हुई है, सड़क मार्ग है, और जाना संभव है, चलना संभव है, रहना संभव है। भाई जी नौगांव कितना होगा यहाँ से? 8 किलोमीटर पास ही है, मतलब कच्चा रूट है 8 किलोमीटर। ठीक है, आराम आराम से, होले होले। ठीक है भाई जी, ध्यान रखना, आप भी आराम से जाना। यार मैं भी कभी कभी मूर्खतापूर्ण बात कर देता हूँ यार, भैया को तो रास्ता, भैया हमें गाइड कर रहे हैं और मैं भैया को बोल रहा हूँ कि भैया आराम से जाना, वो तो चार बार चक्कर लगा दें। कई बार यहाँ गांव के लौंडे अगर आप देखेंगे ना, रात के 12 बजे निकल जाते हैं और सुबह के 7 बजे तक घने जंगलों के बीच में देवदार के जंगल, जहाँ किस किस प्रकार के जानवर है चीता भाई, बाघ, गुलदार, लोमड़ी, भेड़िया, न जाने कितने प्रीडेटर्स घूम रहे हैं, और पहाड़ी लौंडे पूरी रात अपने मवेशियों के साथ वहां जाते हैं और रेकी करते हैं, समझ रहे हो आप। तो रात के बादशाह हैं कई कई हमारे भुल्ला भाई बंद। बाकी हम भी थोड़े हौसले बढ़ाते हैं, देखते हैं अपनी सुपर बाइक को क्या भगा सकते हैं इन सड़कों पे। है डेयरिंग तो कर ही लेगा भाई, भाई कोई कच्ची गोटियां खेल के थोड़ी यहाँ तक पहुंचा, भाई ने भी की गोटियां खेली हैं, गोटे भी निकाल दिए कईयों के हाथ में, ऐसे नहीं कि जबरदस्ती करके, पर बातों से, शब्द से, जबान से, किए हुए अपने कर्म, अपने परिश्रम से। गोटे निकालने का मतलब ये थोड़ी कि मैं हाथ हलक में दे गोटे निकाल लूं, ना 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 भाबे, फिजिकल वायलेंस नहीं। नमस्कार भाई जी। पर ज्ञान इतना अपने अंदर भर लीजिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप बोले हैं तो बोली में एक अलग ही अंदाज हो, एक अलग ही चटकपन हो, शार्पनेस हो, एक गहराई हो, गंभीरता हो, और जरूरत पड़े तो संगीनता भी हो। नमस्कार अंकल जी। बहुत ही जबरदस्त इलाके हैं भाई, और उससे जबरदस्त तुम्हारे भाई के हौसले। चीता भाई को भी मैं सल्यूट करना चाहूंगा, शाउट आउट टू चीता, क्योंकि जिन भाई के हम रुके थे वो मेनली चीता भाई के ही दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड, और वहां से लिंक क्लिक होते होते यहां तक लिंक क्लिक हो गया, और अपने को ये ट्रेल मिल गया राइड करने के लिए अपनी Z900 एक्सट्रीम ऑफ रोड टेरेन, जिसमें चलाने का अनुभव ही कुछ अलग है गाड़ी। नमस्कार भैया, अलग ही एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई सुपर बाइक वाला, नमस्कार दोस्त, सोच भी सकता है इस रोड में आने की, और सोचेगा भी तो उसको रास्ता मिलेगा नहीं इतनी सरलता से। अगर उत्तराखंड के बाहर का नागरिक है फिर तो उसके लिए इस घाटी को खोज पाना थोड़ा और कठिन हो जाता है अत्यधिक, क्योंकि ये टूरिस्टिक रूट है ना चीता भाई, जो कमर्शियल रूट है ये, उससे कहीं अलग थलग निकल के एक पूरी ही घाटी है, यानी एक पूरा ही अपना संसार है, अलग बसा हुआ संसार, छुपा हुआ है, गुप्त। और यहाँ के लोगों से भी मैंने जितनी बात करी, जितनी जानकारी मुझे मिली, यहाँ लोग चाहते भी नहीं कि टूरिस्ट उतना आए, क्योंकि यहाँ प्रकृति, आप देखो ये स्वर्ग है भाई धरती पे, मैं ये कह सकता हूँ, तो कोई क्यों चाहेगा शहरों के हाल देख, फल फूल से लबलबाते गांव, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई कीड़ा मारने की दवाई नहीं, शुद्धता के साथ जमीन 100% ऑर्गेनिक नेचुरल लैंड, क्यों खराब करना चाहेगा कोई जस्ट फॉर फ्यू बक्स, फ्यू रुपीस, थोड़े से पैसों के लिए। आज का अमीर आदमी जिसको बीमारी लग चुकी है, उसके पास अच्छा पैसा पड़ा है ना बैंक अकाउंट में, वो भूसे के बराबर है दोस्त, भूसे के। 20-21-22 साल के लड़के की उम्र के मुकाबले 99 के फेर पर भी अलग से कोई प्रयास, कोई जतन ही नहीं। योगा करना चाहे तो बहुत अच्छा, पर करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बावजूद भी पानी और घाटी का माहौल आदमी को इतना साध देता है जवानी से ही।
करे सनरूफ फ्यूज तपा मैं तपकड़ी धूप नोड़ा रॉट एंड रूट डूट ये ढके तिजोरी मैं तोड़ू केज लुटा।